हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग आने वाले इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज इस वीडियो सीरीज की 5 नंबर वीडियो है ज्योग्राफी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, 4 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी 4 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण कौन सा है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही पता रहता है कि पुरुष प्रवास का क्या अर्थ होता है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए दोस्तों उत्तर देना बहुत ही कठिन हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन के द्वारा क्या बोला गया, तो आपको दोस्तों उत्तर देने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। और अगर आप क्वेश्चन समझना चाहते हैं तो एक एक पॉइंट को आपको समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पुरुष प्रवास क्या होता है। पुरुष तो दोस्तों आप सभी जो लोग जानते होंगे। इसके बाद आप समझना प्रवास। प्रवास का अर्थ होता है दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं रहने के लिए, वास करने के लिए, वास करने के लिए अगर कहीं पे जाते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों पुरुष प्रवास। तो आपको अब ये बताना है कि भारत में अधिकतर जो पुरुष है वो प्रवास करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है विवाह। तो दोस्तों, विवाह के कारण तो हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रवास नहीं के ही मात्रा में करते हैं। दूसरा शिक्षा दिया जा रहा ऑप्शन, और तीसरा है काम और रोजगार, और चौथा है व्यवसाय। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे प्रमुख कारण है वो है काम और रोजगार, क्योंकि भारत के अधिकतर राज्य में रोजगार की उपलब्धि नहीं है, जिसके कारण लोग दोस्तों क्या करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं काम और रोजगार के तलाश में। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, जिसके कारण जो है भारत के जो पुरुष है प्रवास करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसके बाद आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। खाद्य फसल आपको ए ऑप्शन दिया गया गन्ना, बी कॉफी, सी मक्का, और डी दिया गया चुकंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 2 का सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि मक्का। अब खाद्य फसल क्या है? खाद्य फसल दोस्तों उसको बोलते हैं जो हम क्या करते हैं, डेली आपका जो भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। भूमि श्रोता दोस्तों, भूमि, और उसका यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भूमि है वो उपयोग संवर्ग नहीं है। तो यहाँ पर 3 का जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि सीमांत भूमि। सीमांत भूमि जो होता है दोस्तों वो उपयोग के लायक नहीं होता, जो सीमा के नज़दीक हो उसके बारे में यहाँ पर आपका बात किया जाता है। सीमांत में सीमा के अंत वाला जो भूमि होता है वो। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं। तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 का जो दोस्तों आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि असम। असम में दोस्तों वह तेल का अधिकता है। इसके बाद आपका जो अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछे कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका जो 5 का सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि से उसका क्या दोस्तों संबंध है। इसके बाद आपका 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। तो जो आपका प्रमुख समुद्री पतन है वो किस प्रकार का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो 6 का सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, विस्तृत पतन है, यानी कि बड़ा जो पतन है उसी को हम विश्व के प्रमुख जो आपका समुद्री पतन के रूप में उसको जानते हैं। समुद्री पतन क्या है? आप बंदरगाह शब्द दोस्तों आप जरूर सुने होंगे, बंदरगाह को ही दोस्तों हम लोग समुद्री पतन बोलते हैं। हवाई पतन किसको बोलते हैं? हवाई पतन दोस्तों बोलते हैं आपका जो एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट को हम लोग हवाई पतन बोलते हैं। इसके बाद आपका जो 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि ITDP है, यानी कि ITDP का आपको फुल फॉर्म बताना है। सिंपली आपका क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो 7 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, सीमांत जनजातीय विकास प्रोग्राम, जो सीमा के लास्ट में, यानी कि जो जनजातीय जो सीमाएँ पर जो जनजातीय रह रहे हैं, जनजाति विकास रह रहे हैं, उसके विकास का के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया वो। इसके बाद आपका जो 8 नंबर क्वेश्चन है पूछ रही है,
निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, यानी कि कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें जो उत्पादन किया जाता है उसका मालिक जो है वो कोई खास व्यक्ति होता है, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि जो आपका अर्थव्यवस्था है वो तीन प्रकार का अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो आपको वैसे अर्थव्यवस्था का नाम बताना है जिस अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन किया जाता है उसका स्वामित्व यानी कि उसका मालिक जो होता है वो कोई खास व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर आपका आठ का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आप और याद रखें, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आपको बता दें भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है दोस्तों, आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है वैसी अर्थव्यवस्था, वैसा देश जहाँ पर दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था भी लागू है और पूंजीवादी भी लागू है, मतलब दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए हम उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें दोस्तों सारा जो स्वामित्व है, जो आपका अधिकार है, जो चलाने की जो आपका जो अधिकार होता है वो सरकार का होता है और फायदा सभी लोगों को मिलता है। लेकिन पूंजीवादी में किसी खास व्यक्ति के हाथ में सारा चीज़ होता है, उसका मालिक, उसका फायदा सभी कोई खास व्यक्ति ही लेगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है, यानी कि कौन ऐसे फसल है जिसको दोस्तों हम रोपते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ को रोपा नहीं जाता दोस्तों, बोया जाता है, तो यह रोपण फसल नहीं हुआ। इसके बाद आपका जो 10 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई किस वर्ग का है, यानी कि भिलाई दोस्तों आपका जगह है और वो कैसा जगह है, कैसा स्थान है, ये आपको बताना है। औद्योगिक नगर है कि खनन नगर है कि व्यापारिक नगर है या परिवहन नगर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 10 का सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि दोस्तों भिलाई औद्योगिक नगर है। इसके बाद आपका जो 11 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप हैं, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप। आपको दोस्तों बता दें कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्राथमिक में दोस्तों आपको जो कृषि है, पशुपालन है, इसके बाद जो आपका मुर्गी पालन है, इस सबको लाया जाता है, रखा जाता है। और जो द्वितीय क्रियाकलाप है दोस्तों उसमें रखा जाता है आपको सेवा क्षेत्र को, और सेवा क्षेत्र को रखा जाए उसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। बैंकिंग जैसे हुआ, आपका बीमा वाला सिस्टम हुआ, जो भी आपके रेलवे है, परिवहन है, संचार है, ये सब को रखा जाता है। और जो तृतीय क्षेत्र है उसमें दोस्तों उद्योग और व्यापार को रखा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप जो है दोस्तों वो होगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, व्यापार से संबंधित। किससे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, व्यापार है तृतीय क्रियाकलाप। इसके बाद आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, ये आपको बताना है। 12 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा, कुवर को सेंट जॉन्स से क्या करता है दोस्तों, जोड़ता है। इसके बाद आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो आपको दोस्तों बता दें कि 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार का जो दोस्तों साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले हमारे देश में कुल 7 ही दोस्तों क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जैसे ही दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया, अब जिसके कारण हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों पूछा जा रहा है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण है, जो सिंचित भूमि है जिसपे दोस्तों सिंचाई हो रही है उसमें मृदा निम्नीकरण का क्या मुख्य कारण है, ये आपको बताना है। 14 का यहाँ पर दो आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मृदा लवणता, यानी कि उसमें लवणता क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही है। इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे मानव विकास सूचकांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में से किसकी
कोटि उच्चतम है। मानव विकास सूचकांक जो आपको जारी करता है कि किस देश के लोग कितने विकसित है, उसके आधार पर आपको बताना है कि विश्व में निम्नलिखित में से किसकी कोटि उच्चतम है, सबसे सर्वोच्च देश कौन है मानव विकास सूचकांक में, यह आपको बताना है। 15 का जो दोस्तों ये ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जगह नार्वे। नार्वे दोस्तों मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे उच्च कोटि वाला देश है। आपको दोस्तों बता दें कि मानव विकास सूचकांक ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक संस्था है यूएनडीपी नाम की एक संस्था है जो दोस्तों पूरे विश्व के मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट तैयार करती है और वो रिपोर्ट जारी करती है। यूएनडीपी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं सलेम इस्पात उद्योग है, यानी कि सलेम इस्पात उद्योग आपका कहां पे है ये आपको बताना है। तो 16 का जो दोस्तों ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा तमिलनाडु में। 17 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 2011 के जनगणना के अनुसार ही हम लोग दोस्तों अभी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आपका 2021 का जनगणना नहीं हुआ है। 2021 का जब जनगणना होगा तो उसके डाटा के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था ये आपको बताना है। तो 17 का जो दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं 2011 के अनुसार। निम्नलिखित में अब तो दोस्तों क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो यहाँ पर आपका जो दोस्तों 18 का जो दोस्तों आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका बी, क्योंकि दोस्तों NH44 दोस्तों अभी के स्थिति में सबसे लंबा राजमार्ग है। तो आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। सर्वाधिक प्रदूषित यानी कि सबसे गंदगी वाला जो आपका नदी है, सबसे अधिक गंदा नदी जिसको आप बोल लीजिए वो है कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना नदी भारत की सबसे जो आपका प्रदूषित नदी है, और इसी कारणों से दोस्तों यमुना नदी को जैविक मरुस्थलीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, इसका कारण है कि भारत के जितने भी विकसित शहर है दिल्ली आगरा ये सभी के सभी दोस्तों यमुना नदी के किनारे हैं और वो सभी यमुना नदी को नाला में परिवर्तित कर चुके हैं ये सभी के सभी शहर। इसके बाद आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है पूछ रहे हैं निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा, ओपेक एक दोस्तों संस्था है, उस संस्था के बहुत सारे देश जो है सदस्य हैं। तो 20 का यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों चिली। चिली भी दोस्तों क्या है, ओपेक के सदस्य है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।